hello students and welcome to roshi's education point today i will be starting with a very interesting chapter this is from your social studies success book class 4th chapter 3 the name of the chapter is the northern plains it is a very very interesting chapter so please let us start it quickly the northern plains लाई बिटवीन द हिमालज एंड द सर्दन प्लाट्योज़ अब सबसे पहले तो यहाँ पर एड्रेस दे दिया है कि ये जो नर्दन प्लेन्स हैं वो हिमालियाज और सर्दर्न प्लाट्योज़ के बीच में आते हैं द फ्लैट एंड लेवल नर्दन प्लेन्स स्ट्रेच फ्राम पंजाब इन द वेस्ट टू असैम इन द ईस्ट अभी नर्दन प्लेन्स क्या है फ्लैट लैंड होते हैं लैंड तो है ही फ्लैट होता है जैसे लास्ट चैप्टर में हमने माउंटेन्स पढ़ा था तो वहाँ पर सारे पहाड़ों के बारे में था इस चैप्टर में वी आर टॉकिंग अबाउट प्लेन्स ऐसा एरिया जो कि प्लेन है फ्लैट है स्मूद है तो ऐसा एरिया स्टार्ट होता है पंजाब वेस्ट में पंजाब से और असम ईस्ट साइड में असम तक चलता है दे कवर ऑलमोस्ट द होल ऑफ़ पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश दिल्ली, वेस्ट बंगाल पार्ट्स ऑफ बिहार एंड असम। अब ये वो जगह हैं जहाँ पर हमको नॉर्दन प्लेन्स देखने को मिलते हैं द नॉर्दन प्लेन्स आर वेरी फ़र्टाइल प्लेन्स रिच इन अलूवियल सॉइल इन मोस्ट पार्ट्स इंडिया में ज़्यादातर क्वांटिटी में आपको आलूवियल सॉइल मिलता है आलूवियल एक टाइप का सॉइल है सबसे ज़्यादा इंडिया में मिलता है इस साइल की एक खास बात है ये काफ़ी फर्टाइल रहता है फर्टाइल का मतलब होता है इस सॉइल के अंदर इस मिट्टी के अंदर वो सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम एक क्रॉप को अच्छे से ग्रो कर पाते हैं इम्पॉटेंट सिटीज़ इन द नॉर्दर्न प्लेन्स आर अब कुछ ऐसी सिटीज़ हैं जो कुछ कारणों की वजह से कुछ रीजंस की वजह से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाती है जैसे कि अमृतसर दिल्ली आगरा कानपुर लखनऊ अलाहाबाद वाराणसी पटना कोलकाता गुवाहाटी एंड चंडीगढ़ इन सिटीज़ के नेम्स लर्न होने चाहिए बिकॉज जैसे यहाँ पर लिखा है दीज आर वेरी इम्पोर्टेंट तो ये इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं अब एक बार हम लोग मैप में देख लेते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स कहाँ पर है तो ये जितना भी ग्रीन कलर का एरिया है ना ये पूरा आपका नर्दर्न प्लेन्स का एरिया है आपने इसके प्रीवियस लेक्चर में अगर ना नॉर्दर्न माउंटेन्स वाला चैप्टर पढ़ा होगा ना उसमें हमने मैप देखा था तो उसमें माउंटेन का एरिया बताया था तो अब यहीं पर आप देखोगे ना तो यहाँ पर थे माउंटेन्स यहाँ पर आपका प्लेन्स आ गए हैं नेक्स्ट टॉपिक इज़ हिमालयन रिवर्स मैनी रिवर्स विच स्टार्ट फ्रॉम द हिमालयस फ्लो थ्रू दिस रीजन हिमालयाज़ जो कि आपके माउंटेन वाले एरिया थे वहाँ से जो भी जादा से जादा रिवर्स स्टार्ट होती हैं ज़्यादा से ज़्यादा रिवर्स इन्हीं एरियाज़ में फ़्लो करती हैं रीज़न क्या है क्योंकि माउंटेन्स तो होते हैं पहाड़ वहाँ से तो पानी फ़्लो करेगा और फ्लैट लैंड्स की तरफ ही आता है सम ऑफ दीज आर सतलज, गंगा ब्रह्मपुत्रा एंड यमुना ये वो रिवर्स के नाम हैं जो कि हिमालय से फ्लो होकर नीचे की साइड आ जाते हैं द कैरी माउंटेन सॉइल कॉल्ड सिल्ट और एलूवियम एंड डिपॉजिटेड ऑन देयर बैंक्स अब पानी के साथ साथ कुछ मिट्टी भी आती है तो माउंटेन से जब मिट्टी पानी के साथ फ्लो करके आ जाती है उसे हम सिल्ट का नाम देते हैं या फिर एलूवियम बोलते हैं अब पहाड़ से फ्लो करके आएगा तो नीचे फ्लैट लैंड्स पर आके वो डिपॉज़िट हो जाता है बैंक्स का मतलब होता है किनारा दीज आर स्नो फेड रिवर्स सो दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर अब ये स्नो फेड रिवर्स हैं फेड का मतलब पहाड़ पर बर्फ होती है और बर्फ़ पिघलने की वजह से ही ये वाली रिवर्स बनती हैं और यहाँ पर तो हिमालय पे स्नो साल भर रहती है इस वजह से इन रिवर्स को भी हमने साल भर वाली रिवर बोला है यानी कि इन रिवर्स में साल भर पानी रहता है नर्दन प्लेन्स आर द लार्जेस्ट एंड मोस्ट फर्टाइल प्लेन्स ऑफ द वर्ल्ड पूरी दुनिया में जितना फर्टाइल प्लेन्स हमारे नर्दन प्लेन्स हैं जितनी फ़र्टिलिटी ये वाले प्लेन्स रखते हैं उतना पूरे वर्ल्ड में कहीं और आपको इतनी फर्टिलिटी देखने को नहीं मिलेगी दिस एरिया इज़ ऑल्सो कॉल्ड द राइस बोल ऑफ इंडिया एज मोस्ट ऑफ़ द इंडियाज़ राइस इज़ ग्रोन हेयर अब ये जो हमारा नर्दर्न प्लेन्स का एरिया है इसे हम राइस बोल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर राइस इसी एरिया में ग्रो होती है अब ग्रो होने के पीछे क्या रीज़न है क्योंकि यहाँ की फर्टिलिटी ज़्यादा है जितना ज़्यादा फर्टाइल उतने अच्छे क्रॉप्स हम ग्रो कर सकते हैं इस वजह से यहाँ पे सबसे ज़्यादा राइस ग्रो करते हैं इसलिए इसका अदर नेम बन गया राइस बोल ऑफ इंडिया नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स हमने नॉर्दर्न प्लेन्स को किस तरीके से डिवाइड कर रखा है द नॉर्दन प्लेन्स हैव थ्री इम्पॉर्टेंट रिवर्स द सतलज द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र अब हमने नॉर्दन प्लेन्स को रिवर के बेसिस पे डिवाइड करा यहाँ पर तीन इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं जिनके नाम हैं सतलज गंगा और ब्रह्मपुत्र दे डिवाइड द प्लेन्स इंटू थ्री बेसन्स ये प्लेन्स को तीन बेसन्स यानी कि तीन अलग अलग एरियाज़ में डिवाइड करते हैं अ रिवर बेसन इज़ एन एरिया वाटर बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज़ अब रिवर बेसन किसको बोला मानो ये पहाड़ है यहाँ से एक रिवर जा रही है इस रिवर से इतने लोगों को पानी मिल रहा है ये दूसरा रिवर है इससे इन लोगों को पानी मिल रहा है ये तीसरी रिवर है इनसे इन लोगों को पानी मिल रहा है तो जो रिवर जिस एरिया को पानी सप्लाई करती है उस एरिया को एक बेसिन बोला जाता है तो ऐसे तीन बेसनस हैं क्योंकि तीन रिवर्स हैं द थ्री रिवर बेसनस इन इंडिया आर सतलज रिवर बेसिन, गंगा रिवर बेसिन ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन ये तीन रिवर बेसनस हमारे यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं इसमें से पहला है आपका सतलज रिवर बेसिन, द सतलज एंड द बियास फ्लो इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन साउथ वेस्ट का मतलब होता है साउथ से तो शुरू होते हैं और वेस्ट डायरेक्शन में जाते हैं साउथ हमारा नीचे होता है वेस्ट हमारा इस साइड होता है तो ऐसे कलर ऐसे डायरेक्शन में अगर आपकी रिवर जाती है उसको साउथ वेस्ट डायरेक्शन बोला जाता है दे जॉइन द इंडस रिवर इन पाकिस्तान और वेस्ट में अगर ज़्यादा आगे जाओगे ना तो आगे पाकिस्तान आ जाता है तो ये जो हमारी सतलज और ब्यास रिवर है ये आगे जाके पाकिस्तान की इंडस रिवर को जॉइन कर लेती है द इंडस फ्लोज़ इन टू द अरेबियन सी और ये जो इंडस है वो जाके अरेबियन सी में जॉइन हो जाती है पंजाब एंड हरियाणा लाई इन सतलज बेसिन पंजाब एंड हरियाणा ये जो दो हमने याद करो पेज वन पे इम्पॉर्टेंट सिटीज़ के नाम पड़े थे उसी में से ये पंजाब एंड हरियाणा जो है ये सतलज बेसिन में आते हैं द भाकरा डैम हैज बीन बिल्ट ऑन द सतलज रिवर डैम क्या होता है जब किसी जगह पे ज़्यादा पानी होता है ना तो उसको हम लोग रोक लेते हैं और उसको स्टोर करते हैं फिर उस पानी से हम लोग कुछ बनाते हैं क्या बनाएंगे पानी से इलेक्ट्रिसिटी इट प्रोवाइड्स वाटर फॉर इरीगेशन आस पास के खेतों में इरीगेशन का काम करता है पानी सप्लाई करता है एंड इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड एट द भाकरा डैम इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में भी काम आती है बहुत सी चीज़ों में आती है तो इलेक्ट्रिसिटी भी बनाने का काम करता है भाकरा डैम तो अगर आपसे पूछेंगे कि भाखरा डैम क्या क्या काम करता है तो दो काम करता है एक तो इरीगेशन प्रोवाइड करता है और एक इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड कर देता है पंजाब एंड हरियाणा आर द टू स्टेट्स विच गेट वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी फ्राम द भाकरा डैम मैंने ये बताया था आपको कि एक रिवर है तो एक पर्टिकुलर एरिया को पानी सप्लाई करेगी यहाँ पर ये जो भाकरा डैम है ना ये हमारी दो सिटीज़ में यानी कि पंजाब एंड हरियाणा में वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने का काम करता है नाओ लेटेस्ट टॉक अबाउट द गंगा रिवर बेसन द गंगा रिवर ओरिजिनेट्स एज भागीरथी फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर इन द हिमालयन माउंटेन्स हिमालयन माउंटेन में एक ग्लेशियर है ग्लेशियर यानी कि बर्फ़ का पहाड़ है जिसका नाम है गंगोत्री वहाँ से निकलती है हमारी गंगा रिवर इट फ्लोज एट अ हाई स्पीड फ्रॉम द माउंटेन स्लोप्स अब माउंटेन का ये जो स्लोप है ना यहाँ से काफ़ी तेज़ स्पीड में गंगा रिवर नीचे फ्लो करके आ जाती है ऑन इट्स वे डाउन इट इज़ जॉइंट बाय द रिवर्स मंदाकिनी एंड अलकनंदा अब ये जब नीचे आती है ना रिवर गंगा तो ये दो और रिवर इनको जॉइन कर लेती है मंदाकिनी और अलकनंदा दीज थ्री रिवर्स कम्बाइंड टू फॉर्म द गंगा लेकिन फाइनली हम इसको गंगा का ही नाम देते हैं तो हम ये बोल सकते हैं गंगा रिवर्स तीन रिवर्स से मिलकर बनी है नंबर वन गंगा से नंबर टू मंदाकिनी नंबर थ्री अलकनंदा तीनों रिवर्स से मिलकर आपकी गंगा रिवर बनी है the ganga enters the northern plains near rishikesh ab ganga hamare northern plains ko kahan se enter karti hai rishikesh se the yamuna river which is the main tributary of the ganga also starts from the himalayas अब देखो यहाँ पर है ना ट्रिब्यूटरी वर्ड पहले भी आया था तो पहले अपन इसका मतलब समझते हैं जैसे एक पेड़ होता है ठीक है अब पेड़ में ये वाली जो ब्रांच होती है ये मेन ब्रांच होती है उसके बाद छोटी छोटी टहनियाँ होती हैं सिमिलरली रिवर के केस में एक बड़ी रिवर होती है और फिर उसमें से निकलने वाली छोटी छोटी रिवर्स होती हैं तो बड़ी रिवर को तो हमने रिवर बोल दिया और इन छोटी छोटी रिवर्स को हम बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज़ तो इन्हें हम ट्रिब्यूटरीज़ बोलते हैं हमने पढ़ा गंगा रिवर है तो यहाँ बोला गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी यमुना रिवर है मेन ट्रिब्यूटरी गंगा रिवर से निकलने वाली छोटी रिवर को हमने यमुना रिवर का नाम दे दिया है देर आर अ नंबर ऑफ़ रिवर्स विच फ्लो फ्रॉम द हिमालस एंड जॉइन द मेन स्ट्रीम ऑफ द गंगा यहाँ पर ऐसी कुछ रिवर्स के नाम दे रखे हैं जो कि हमारी हिमालयास से तो फ्लो होती हैं और बाद में आके गंगा को ज्वाइन कर लेती हैं दीज इंक्लूड द घाघरा गोमती गंदक एंड कोसी ये सारे रिवर्स के नाम हैं ये हिमालय से ही आती हैं फ्लो करके और गंगा को जॉइन करती हैं द यमुना जॉइंस गंगा एट अ प्लेस नियर अलाहाबाद हमने देखा था कि गंगा की तो मेन ट्रिब्यूटरी यमुना थी ट्रिब्यूटरी का मतलब ऐसी रिवर जो कि मेन रिवर से निकलती है तो मेन रिवर से निकलना या फिर मेन रिवर में आके जॉइन होना बात एक ही होती है तो अगर मैं बोलूँ कि मेन रिवर में आके जॉइन हो रही है इसका यही मतलब है कि वो आके उसकी ट्रिब्यूटरी बन रही है तो यमुना गंगा को जॉइन करती है अलाहाबाद में दिस प्लेस इज़ कॉल्ड संगम इस जगह को हम संगम बोलते हैं जहाँ पर यमुना और गंगा कंबाइन हो जाती हैं देर इज़ अनदर ट्रिब्यूटरी सोन दैट ज्वाइंस द गंगा नियर पटना सोन भी एक रिवर का नाम है और ये हमारी गंगा को जॉइन कर देती है पटना में तो पटना में तो सोन ने ज्वाइन करा है यमुना अलाहाबाद में जॉइन हुई है और बाकी ट्रिब्यूटरीज़ के नाम भी हमें दे दिए हैं घाघरा गोमती गंडक एंड कोसी द गंगा फ्लोज थ्रू द स्टेट्स ऑफ उत्तराखंड उत्तर प्रदेश बिहार एंड वेस्ट बंगाल ये वो जगह हैं जहाँ से हमारी गंगा रिवर फ्लो करती हैं आफ्टर रीचिंग वेस्ट बंगाल इट इज़ डाइवर्टेड टूवर्ड साउथ एंड स्प्लिट्स इंटू सेवरल ब्रांचेस वेस्ट बेंगाल तक आती है और उसके बाद डाइवर्ट हो जाती है मुड़ जाती है साउथ के डायरेक्शन में और साउथ में जाके ये स्प्लिट हो जाती है स्प्लिट यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाती हैं इंटू सेवरल ब्रांचेस फिर बहुत से छोटी छोटी रिवर्स बन जाती है मैनी ऑफ दैम ज्वाइन द ब्रह्मपुत्रा रिवर आफ्टर पासिंग थ्रू बांग्लादेश आर नेबरिंग कंट्री अब ये जो गंगा की ब्रांचेस हो गई हैं छोटी छोटी इनमें से कुछ या फिर बहुत सारी आगे जाके बांग्लादेश में बांग्लादेश हमारी नेबरिंग कंट्री है नेबरिंग यानी कि पड़ोसी कंट्री है पड़ोस में ही है वहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर को जॉइन कर लेती हैं इन वेस्ट बंगाल द गंगा फ्लो स्लोली एंड स्प्लिट्स इन टू टू ब्रांचेस द हुगली एंड द पदमा हमने देखा था जब हिमालय से गंगा फ़्लो करती है तो काफ़ी स्पीड से फ्लो करती है लेकिन एक बार वो वेस्ट बंगाल में आ जाती है ना उसके बाद गंगा की स्पीड काफ़ी स्लो हो जाती है और वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है स्प्लिट हो जाती है एक को बोला गया है द हुगली एंड दूसरी रिवर को बोला गया है द पदमा द ब्रांच ऑफ द गंगा इन बांग्लादेश इज़ नोन एज पदमा हमने पढ़ा कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा रिवर में कंबाइन हो जाती है गंगा रिवर तो गंगा रिवर की कौन सी ब्रांच कंबाइन हो जाती है पदमा पदमा जाके बांग्लादेश में कंबाइन हो जाती है द हुगली इज़ द मेन ब्रांच ऑफ़ द गंगा इन इंडिया इंडिया में अगर हम देखें कि गंगा की मेन ब्रांच कौन सी है तो हुगली है इट फ्लोज थ्रू वेस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल में ही स्प्लिट हुई है तो वहीं से फ्लो करना स्टार्ट भी करेगी कोलकाता द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द हुगली कोलकाता इस सिटी को हम लोग वेस्ट बंगाल की कैपिटल के नाम से भी जानते हैं तो ये जो शहर है कोलकाता ये हुगली रिवर के किनारे ही बसा हुआ है बैंक्स का मतलब होता है किनारा तो हुगली रिवर के किनारे पर हमारी कोलकाता सिटी सिचुएटेड है अब आती है हमारी नेक्स्ट रिवर बेसिन यानी कि ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन द ब्रह्मपुत्र इज़ द लॉन्गेस्ट ऑफ द थ्री रिवर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया नॉर्थ इंडिया की तीन रिवर्स हमने देखी हैं कौन कौन सी तीन रिवर्स हैं आप लोगों को नाम लर्न होने चाहिए सतलज गंगा ब्रह्मपुत्रा इन तीनों में से जो ब्रह्मपुत्रा है वो सबसे लॉन्गेस्ट है सबसे लंबी है इट स्टार्ट्स इन टिबिट अब ये शुरू होती हैं टिबिट में वेयर इट इज़ कॉल्ड सेंकपो टी साइलेंट है इसमें इसको हम सेंकपो रीड करते हैं तो सेंकपो एक जगह का नाम है वहाँ से ये स्टार्ट होती है रिवर इट एंटर्स इंडिया Through Arunachal Pradesh and flows through Assam before entering Bangladesh. India के अंदर Arunachal Pradesh में enter होती है और Assam से बाहर निकल के ये Bangladesh में join हो जाती है। The Ganga and the Brahmaputra, before falling into the Bay of Bengal, form the largest delta in the world. It is called Sundarbans. जब Ganga और Brahmaputra फ्लो करते-करते Bay of Bengal में जाके मिलती है। उसी के पहले ये एक पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है डेल्टा क्या होता है हम अभी आगे पढ़ेंगे तो डेल्टा बनाती है और उस डेल्टा का नाम है सुंदरबंस तो एक बार पहले देख लेते हैं डेल्टा क्या होता है डेल्टा इज़ अ लो लिंग फ्लैट एरिया फाउंड एट द माउथ ऑफ़ अ रिवर एंड इज़ फॉर्म्ड ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ अलूवियम ब्रॉट बाय द रिवर अब हम डेल्टा बोलेंगे ऐसा लो लिंग फ्लैट एरिया है जहाँ पर ये माउथ ऑफ़ द रिवर है और यहाँ पर काफ़ी क्वांटिटी में अलूवियम डिपॉजिट होता है यानी कि जो भी रिवर इकट्ठा करके सॉइल लेकर आती है वो सब यहीं पे छोड़ देती है तो हम एक चीज़ ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर फर्टिलिटी सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में अलूवियम यहाँ पर डिपॉजिटेड होता है नेक्स्ट पैराग्राफ मैनी सिटीज़ एग्जिस्ट अलोंग द बैंक्स ऑफ दीज रिवर्स बहुत सी सिटीज़ होती हैं जो ऐसे रिवर्स के किनारों पर बस जाती है बन जाती है सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट सिटीज़ इंक्लूड दिल्ली अलोंग यमुना यमुना रिवर के किनारे कौन सी सिटी है दिल्ली, कोलकाता अलोंग हुगली एंड कानपुर अब ये जो कोलकाता है वो हुगली के किनारे है कानपुर अलाहाबाद पटना वाराणसी गंगा रिवर के किनारे बसी हुई है Many goods are produced in the factories which are located in these cities. काफ़ी इंपॉर्टेंट गुड्स गुड्स यानी के सामान बनते हैं ऐसी फैक्ट्रीज में जो कि इन जगहों पर बनी हुई हैं बट द हार्मफुल वेस्ट फ्रॉम दीज फैक्ट्रीज आर डिस्चार्ज इन टू द रिवर्स अब एक प्रॉब्लम क्या होती है ना कि फैक्ट्रीज़ में सामान तो बनाते हैं लेकिन फिर जो हार्मफुल वेस्ट मटीरियल्स निकलता है ये फैक्ट्री वाले उनको रिवर्स में जाके डाल देते हैं दिस मेक्स द रिवर वाटर डॉटी इसकी वजह से हमारा रिवर का पानी काफ़ी डर्टी हो जाता है ख़राब हो जाता है इट बिकम्स अनफिट फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर यूजेज और एक बार पानी गंदा हो जाता है तो फिर वो पीने के लायक भी नहीं रहता और उनसे हम कुछ और काम भी नहीं कर सकते हैं द गवर्नमेंट हैज स्टार्टड अ प्रोजेक्ट टू क्लीन द गंगा रिवर एंड प्रिवेंट इट्स व पल्यूशन गवर्नमेंट ने एक ऐसा प्रोजेक्ट स्टार्ट करा है जिसके अंदर वो रिवर गंगा को क्लीन भी करेंगी और अब आगे गंदा भी नहीं होने देंगी दिस इज़ नोन एज द गंगा एक्शन प्लान ये जो प्लान है जिसमें गंगा गवर्नमेंट uh, हमारी गंगा रिवर को क्लीन करेगी उसका प्रोजेक्ट का नाम है गंगा एक्शन प्लान द प्लेन्स ऑफ द इंडस गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर्स हैव बीन इन्बिटेड बाई पीपल सिंस अर्ली टाइम्स प्लेन्स यानी कि फ्लैट लैंडस हैं तो ये जो इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर्स हैं इनके आसपास के जो फ्लैट लैंडस हैं काफ़ी टाइम से लोग वहाँ पर रहते आए हैं द स्टेट्स ऑफ पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश बिहार वेस्ट बंगाल एंड नेशनल कैपिटल टेरेटरी ऑफ दिल्ली लाए इन दिस रीजन पार्ट्स ऑफ असाम ऑल्सो लाई इन दिस रीजन दिस रीजन का मतलब ये फ्लैट लैंडस वाला एरिया जहाँ पर इंडस गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स हैं यहाँ पर ये सारी स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं जिनके नाम इस पैराग्राफ में दे रखे हैं नाउ लेट एस टॉक अबाउट पंजाब पंजाब इज कॉल्ड द लैंड ऑफ फाइव रिवर्स बिकॉज फाइव रिवर्स फ्लोड इन दिस स्टेट पंजाब को लैंड ऑफ फाइव रिवर्स बोला जाता है क्योंकि पांच अलग अलग रिवर्स फ्लो करती हैं पंजाब के एरियाज में द वेस्टर्न पार्ट ऑफ़ पंजाब बिकेम अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान इन नाइनटीन फोर्टी सेवन आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया अब जो पंजाब है इसका ये वेस्ट वाला जो हिस्सा है ये पाकिस्तान में जॉइन हो चुका था जब नाइनटीन फोर्टी सेवन में इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था बंटवारा हुआ था उस टाइम पर यह एरिया हमारा पाकिस्तान में चला गया था नाउ ओनली थ्री मेन रिवर्स फ्लो थ्रू द इंडियन पार्ट ऑफ़ पंजाब तो पहले के टाइम पे तो फाइव रिवर्स फ़्लो करती हैं पंजाब में से लेकिन जैसे ही 1947 में कुछ पार्ट पाकिस्तान में चला गया तो इंडियन वाले पार्ट में सिर्फ तीन रिवर्स फ़्लो कर रही हैं ब्यास रावी एंड सतलज। पंजाब लाइज इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नार्दर्न प्लेन्स हमने देखा था नार्दर्न प्लेन्स का सबसे पहला शहर ही हमारा पंजाब था तो पंजाब वेस्टर्न पार्ट में एग्जिस्ट करता है सॉरी थोड़ा सा ब्लर पिक है लेकिन जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग इरीगेशन फैसिलिटीज एंड हार्ड वर्किंग पीपल हैव मेड इट अ प्रॉस्परस स्टेट अब पंजाब को इतना प्रॉस्परस इतना अच्छा स्टेट कैसे बनाया क्योंकि यहाँ पर फार्मिंग खेती करने के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे मॉडर्न मेथड्स यूज़ करे हैं इरीगेशन फैसिलिटीज़ लगाई है और यहाँ के लोग भी काफ़ी मेहनती हैं फार्मिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल पंजाब के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन होता है किसान खेती यानी कि फार्मिंग इट इज़ रिच इन क्रॉप सच एज वीट राइस मेज़ एंड ऑयल सीड्स अब कौन से क्रॉप्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रो होते हैं तो वीट है राइस है मेज़ है एंड ऑयल सीड्स अब बात करते हैं कपड़े क्या पहनते हैं मैन वेयर धोती कुर्ता एंड लुंगी वाइल वुमेन वेयर सलवार कमीज़ एंड दुपट्टा तो ये दोनों की ड्रेसिंग स्टाइल्स हो गई हैं यहाँ पे द पीपल ऑफ़ पंजाब स्पीक पंजाबी एंड हिंदी दो लैंग्वेज़ बोलते हैं यहाँ के लोग या तो पंजाबी या फिर हिंदी दे ईट मक्के की रोटी एंड सरसों का साग इन विंटर्स ये यहाँ की स्पेशल डिश है ठंड के टाइम पर ये मक्के की रोटी और सरसों का साग खाते हैं बैसाखी एंड गुरु परवाज़ आर important फेस्टिवल्स ऑफ पंजाब पंजाब के दो इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स होते हैं बैसाखी और गुरु परवाज अब क्या इसका मतलब मैं ये समझूं कि यहाँ पर पंजाब में बाकी फेस्टिवल्स नहीं बनाते हैं होली दिवाली तो ऐसा बिल्कुल नहीं है सारे फेस्टिवल्स मनाते हैं ये दोनों फेस्टिवल्स थोड़े ज़्यादा इम्पॉटेंट हैं इन लोगों के लिए फोक डांसेस ऑफ़ पंजाब आर भांगड़ा एंड गिद्दा फोक डांसेस होते हैं लोकल डांस फॉर्म्स जो कि पंजाब में ही बने होते हैं तो वो है हमारा भांगड़ा और गिद्दा जलंधर लुधियाना एंड अमृतसर आर इम्पोर्टेंट सिटीज़ ऑफ़ पंजाब पंजाब की तीन इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं जलंधर लुधियाना एंड अमृतसर कैपिटल चंडीगढ़ है यहाँ की अ यूनियन टेरिटरी इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा पंजाब और हरियाणा दो स्टेट की कैपिटल है हमारी चंडीगढ़ जो कि खुद में एक यूनियन टेरिटरी होती है जलंधर इज़ फेमस फॉर स्पोर्ट्स गुड्स अब जलंधर जो सिटी है ये स्पोर्ट्स गुड्स यहाँ पर स्पोर्ट्स के काफ़ी ज़्यादा आइटम मिलते हैं लुधियाना इज़ नोन फॉर हौजरी एंड वुलन ग्लोथ्स लुधियाना हौजरी और वुलन गुड्स के लिए फेमस होता है ऊनी कपड़ों के लिए फ़ेमस है अमृतसर एंड धरीवाल आर इम्पोर्टेंट सेंटर्स ऑफ वुलन प्रोडक्ट्स अब अमृतसर में भी और धरीवाल दोनों जगह के नाम हैं और यहाँ पर ऊनी सामान काफ़ी मिलते हैं अमृतसर इज़ ऑल्सो फेमस फॉर द गोल्डन टेम्पल अमृतसर में हमारा गोल्डन टेम्पल भी है मंदिर भी है यहाँ पर इट इज़ द होलीस्ट प्लेस ऑफ पिलग्रमेज फॉर द सिख सबसे बड़ा आप इसको टेम्पल बोलेंगे तो ये एक पिलग्रमेज सेंटर है पिलग्रमेज सेंटर होता है एक होली प्लेस जहाँ पर लोग दर्शन करने जाते हैं तो सिख लोगों के लिए ये सबसे बड़ा होली प्लेस होता है नेक्स्ट सिटी जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है हरियाणा हरियाणा मीन्स द अबोड ऑफ गॉड इसे हम अबोर्ड ऑफ गॉड के नाम से भी जानते हैं इट शेयर्स बाउंड्रीज़ विद पंजाब राजस्थान डेली एंड उत्तर प्रदेश अब ये जो हरियाणा है ये बहुत अलग अलग स्टेट्स के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है जैसे कि पंजाब राजस्थान डेली और उत्तर प्रदेश फार्मिंग इंक्लूडिंग डेयरी फार्मिंग आर द मेन द पीपल फार्मिंग यानी कि खेती करना और उसमें भी डेयरी फार्मिंग यहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन होता है मेजर क्रॉप्स ग्रोन हेयर आर वीट राइस मेज पल्स एंड शुगर केन ये मेन क्रॉप्स हैं यहाँ के देर इज बिग डेयरी फार्म एंड रिसर्च सेंटर एट करनाल करनाल जगह का नाम है वहाँ बहुत बड़ी एक डेयरी फार्म है और एक रिसर्च सेंटर भी है बिग कैटल फेयर इज़ हेल्ड एट हिसार एवरी ईयर कैटल फेयर फेयर का मतलब होता है मेला और कैटल का मतलब होता है आपकी भेड़ बकरी तो यहाँ पर बहुत सारी भेड़ बकरियों को हर साल खरीदा और बेचा जाता है ऐसा मेला यहाँ पे रखता है कौन सी जगह हिसार में गुरुग्राम इज़ फेमस फॉर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ मेनली कार सजेस मारुति अब गुरुग्राम एक जगह का नाम है वो कि ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काफ़ी फेमस है कार्स बनाने में और जिसमें मारुति कार बनाने में काफ़ी ज़्यादा फेमस है फरीदाबाद इज़ एन इंडस्ट्रियल टाउन लोकेटेड नियर बाय फरीदाबाद एक और जगह का नाम है ये इंडस्ट्रियल टाउन है जो कि पासी में लोकेटेड है सोनपत इज फेमस फॉर बाइसिकल्स बाइसिकल्स के लिए फ़ेमस है वाइल पानीपत इज फेमस फ़ॉर हैंडलूम क्लोथ्स पानीपत हैंडलूम क्लोथ्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है वुमेन वेयर घाघरा चोली एंड ओढ़नी ये वुमेंस की ड्रेस है द मैन वेयर धोती एंड कुर्ता मैंस दो तीन कुर्ता वेयर करते हैं लैंग्वेजेस कौन कौन सी बोलते हैं हरियाणवी एंड हिंदी आर द लैंग्वेज स्पोकन बाय द पीपल हरियाणवी और हिंदी दो लैंग्वेजेज़ हैं जो हरियाणा में बोली जाती है रोटी दाल कर्ड एंड मिल्क आर द मेन फूड ईटन इन हरियाणा काफ़ी ज़्यादा कोई स्पेशल आइटम नहीं है रोटी और दाल सिंपल खाना यहाँ का मेन फूड होता है तीज इज़ द मेन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द स्टेट तीज एक काफ़ी ज़्यादा मेन फेस्टिवल होता है इस स्टेट का नेक्स्ट स्टेट जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश इज़ द मोस्ट पॉपुलर स्टेट बहुत काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है काफ़ी लोग रहते हैं यहाँ पे इट हैज़ वेरी फर्टाइल सॉइल यहाँ का सॉइल काफ़ी फर्टाइल है बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है सॉइल में सो मोस्ट ऑफ द पीपल प्रैक्टिस फार्मिंग और मिट्टी इतनी अच्छी है इस वजह से ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर फार्मिंग का काम करते हैं The main crops grown are wheat, rice, sugarcane, oil seeds and pulses. ये मेन क्रॉप्स हैं जो कि इन जगहों पर उगाए जाते हैं. Cotton textiles, sugar, glass, leather and fertilizers are the main products of factories located here. अब इन जगहों पे जो फैक्ट्रीज हैं उन फैक्ट्रीज के लिए मेन प्रोडक्ट्स क्या-क्या होते हैं? Cotton textile, sugar, glass, leather. इन्हीं से यहाँ पर चीजें बनाई जाती हैं. कानपुर नोएडा गाजियाबाद मेरठ आर इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल टाउन्स यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं इस वजह से इनको इंडस्ट्रियल टाउन्स के नाम से भी जानते हैं द वर्ल्ड फेमस ताजमहल इज़ इन आगरा आगरा में हमारा वर्ल्ड वर्ल्ड फेमस ताजमहल भी है बनारस सिल्क एंड लखनवी चिकन एम्ब्रॉयडरी आर वेरी फेमस ये दो एम्ब्रॉयड्री स्टाइल हैं बनारस का सिल्क काफ़ी फ़ेमस है और लखनवी चिकन एम्ब्रॉयड्री एम्ब्रॉयड्री का एक तरीका है ये काफ़ी फेमस है यहाँ पे कपड़े देख लेते हैं वुमेन वेयर साड़ीस साड़ी पहनती है वुमेंस एंड मैन वेयर धोती कुर्ता और कुर्ता पायजामा या तो कुर्ता पहनेंगे धोती के साथ या फिर पायजामा के साथ खाने में दाल रोटी एंड वेजिटेबल ज़्यादा स्टेपल डाइट यहाँ पर ज़्यादातर लोग दाल रोटी एंड वेजिटेबल खाना पसंद करते हैं लैंग्वेज में देखें तो पीपल स्पीक हिंदी एंड उर्दू दो लैंग्वेज बोलते हैं यहाँ पर लोग या तो हिंदी या फिर उर्दू द मेन फेस्टिवल्स आर ईद शिवरात्रि एंड जन्माष्टमी तीन फेस्टिवल्स यहाँ पर काफ़ी अच्छे से मनाए जाते हैं ईद शिवरात्रि एंड जन्माष्टमी लखनऊ इज़ द कैपिटल लखनऊ हमारे उत्तर प्रदेश की कैपिटल है अलाहाबाद इज़ सेंटर ऑफ कुंभ मेला कुंभ मेला बारह सालों में एक बार मेला लगता है तो कहाँ पर लगता है उत्तर प्रदेश में अलाहाबाद में लगता है नेक्स्ट स्टेट वी आर टॉकिंग अबाउट इज वेस्ट बेंगॉल वेस्ट बंगाल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया अब इसको इम्पॉर्टेंट स्टेट्स क्यों बोला है बिकॉज मोस्ट ऑफ़ द पीपल आर फार्मर्स एंड फिशरमैन यहाँ पर ये यह नदी से जुड़ा हुआ है ना इस वजह से यहाँ पर बहुत से लोग फार्मिंग भी करते हैं और फ़िशरमैन है मछलियाँ पकड़ने का काम करते हैं फ़िश एंड राइस इज़ अ स्टेपल फूड क्योंकि यहाँ पे मछलियाँ ज़्यादा मिलती है इस वजह से फ़िश एंड राइस यहाँ का मेन फूड आइटम हो गया है साड़ी इज़ द मेन ड्रेस ऑफ बंगाली वुमेन बंगाली वुमेन साड़ीज़ पहनती हैं दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक एंड लव टू स्टेज प्लेज उनको म्यूज़िक का काफ़ी बहुत शौक होता है और वो प्लेज में भी पार्ट लेती हैं मैन वेयर धोती कुर्ता हमने वुमेन का देखा कि वो साड़ी पहनती हैं और मैन पहनते हैं धोती कुर्ता पीपल स्पीक बेंगाली वेस्ट बंगाल की लैंग्वेज है बंगाली दुर्गा पूजा इज़ द मेन फेस्टिवल ऑफ वेस्ट बंगाल यहाँ पर सारे लोग दुर्गा पूजा को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं द फेमस शांति निकेतन फाउंडेड बाय रबींद्राथ टेगोर इज़ लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल शांति निकेतन ये जगह रबिंद्राथ टैगोर ने फाउंड करी थी उन्होंने बनाया था ये भी वेस्ट बंगाल में है तो वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या है कोलकता और याद दिला दूँ मैं थोड़ी देर पहले हमने देखा था कोलकाता कौन सी रिवर पर है कोलकाता हमारी हुगली रिवर पर है हमने अभी इसी क्लास में थोड़ी देर पहले इसको डिस्कस भी किया था फिर आता है आपका दिल्ली दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया इंडिया की कैपिटल है दिल्ली it is known as the national capital territory of india sorry of delhi delhi ko hum log bolte hain national capital territory of delhi it is the seat of the central government yahan par central government ka office hai it is a cosmopolitan city and represent a mixed culture Cosmopolitan city एक ऐसी city होती है जहाँ पे बहुत से अलग अलग cultures के लोग एक साथ रहते हैं अब आप बोलोगे पूरे India में ही रहते हैं पूरे इंडिया में तो रहते हैं लेकिन फिर भी जैसे राजस्थान में राजस्थानी लोग ज़्यादा होंगे बंगाल में बंगाली लोग ज़्यादा होंगे उसी तरीके से लेकिन दिल्ली एक ऐसी जगह है जहाँ पर काफ़ी अलग अलग कल्चर मिक्स तरीके से मिलेगा आपको इट हैज़ पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजन रिलीजन एंड कास्ट स्पीकिंग वेरियस लैंग्वेजेस एंड फॉलोइंग वेरियस कस्टम्स अब यहाँ पर कोई स्पेसिफ़िक एक रिलिजन नहीं बोल सकते अलग अलग रिलिजन के लोग रहते हैं अलग अलग लैंग्वेज़ बोलते हैं अलग कस्टम्स फॉलो करते हैं तो कोई पर्टिकुलर यहाँ पर हम लोग ड्रेस स्टाइल भी नहीं बता सकते आप लोगों को मोस्ट ऑफ़ them are आर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट schools स्कूल्स एंड प्राइवेट फर्म्स ज़्यादातर लोग यहाँ पर फार्मिंग नहीं करते हैं बल्कि गवर्नमेंट ऑफिस में होते हैं स्कूल्स में होते हैं या फिर प्राइवेट कंपनीज में होते हैं हिंदी एंड इंग्लिश आर द मेन लैंग्वेजेज़ स्पोकन हेयर हिंदी एंड इंग्लिश दो टाइप की लैंग्वेज़ डेली में सबसे ज़्यादा बोली जाती हैं डेली हैज़ मैनी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स लाइक रेड फोर्ट कुतुब मीनार ओल्ड फोर्ट राष्ट्रपति भवन अब यहाँ पर हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स ऐसी बिल्डिंग्स जो काफ़ी टाइम पहले बनी हुई हैं और जिनको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं वो यहाँ पर हैं सम द फेमस टेम्पल्स आर बिरला टेम्पल लोटस टेम्पल छतरपुर टेम्पल अक्षरधाम टेम्पल ये मंदिरों के नाम हैं जो कि काफ़ी फेमस हैं ऑल दीज प्लेसिज़ आर थ्रोंग्ड बाई डिवोटीज़ थ्रॉन्ग्ड यानी कि या फिर काफ़ी ज़्यादा क्वान्टिटी में डिवोटीज़ यानी कि श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने के लिए द पीपल ऑफ़ डेल्ही सेलिब्रेट ऑल फेस्टिवल्स अब दिल्ली के लोग सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं कोई स्पेसिफ़िक फेस्टिवल इनका मेन फेस्टिवल नहीं है द रिपब्लिक डे एंड इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन इन डेली आर द मेन अट्रैक्शनस अब डेली क्योंकि हमारी पूरी इंडिया की कैपिटल है तो इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे यहाँ पर सबसे ज़्यादा अच्छे से सेलिब्रेट होता है और इस वजह से ये मेन अट्रैक्शन भी बनता है डेली मेट्रो रेल इज़ द चीफ मोड ऑफ़ ट्रांसपोटेशन इन डेली डेली में जो मेन ट्रांसपोटेशन होता है वो है हमारा मेट्रो इसके बाद बात करते हैं हम बिहार के बारे में बिहार हैज़ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंडियन हिस्ट्री इन एंशंट पीरियड पुराने टाइम की बात करें तो बिहार ने काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करा है हमारी हिस्ट्री के अंदर लॉर्ड महावीरा वॉज़ बॉर्न हेयर एंड लॉर्ड बुद्धा रिसीव्ड एनलाइटनमेंट एट बोधगया बोधगया पे लॉर्ड बुद्धा को एनलाइटनमेंट मिला था और लॉर्ड महावीरा यहीं पे बर्थ हुआ था उनका तो इस वजह से बिहार काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लेस है India's first president and फेमस फ्रीडम फाइटर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद belonged to Bihar. अब जो हमारे पहले प्रेसिडेंट हैं और फेमस फ्रीडम फाइटर हैं जिन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई करी थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो भी हमारे बिहार से ही बिलोंग करते थे चीफ crops ग्रोन हेयर आर rice, wheat, sugarcane and pulses. ये यहाँ के chief crops यानी कि main crops हैं पीपल स्पीक हिंदी मैथिली एंड भोजपुरी अब तीन लैंग्वेज बोलते हैं हमारे बिहार के लोग हिंदी मैथिली और भोजपुरी पटना ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा इज़ द कैपिटल ऑफ बिहार हमने पढ़ा है पटना जो सिटी है वो गंगा के किनारे पर ही है और यही पटना हमारे बिहार के कैपिटल भी है दशहरा होली दिवाली छठ एंड ईद आर द मेन फेस्टिवल्स ऑफ बिहार ये वाले फेस्टिवल्स बिहार के मेन फेस्टिवल्स के रूप में भी जाने जाते हैं नेक्स्ट इज़ झारखंड द कैपिटल ऑफ झारखंड इज़ रांची। रांची इसकी कैपिटल है झारखंड वॉज कार्वड आउट बाई बिहार इन दर टू थाउजेंड पहले झारखंड बिहार का ही हिस्सा था लेकिन इसको झारखंड को बिहार से अलग कर दिया है टू थाउजेंड में धनबाद झरिया बोकारो एंड जमशेदपुर आर अदर इम्पोर्टेंट टाउन्स ऑफ झारखंड झारखंड में चार इम्पोर्टेंट टाउन्स हैं झारखंड किस चीज़ के लिए फ़ेमस है तो झारखंड इज़ वेरी रिच इन मिनरल्स लाइक आयरन कोल एंड बॉक्साइट इन तीनों के लिए झारखंड काफ़ी फेमस है अब झारखंड के लिए अलग से अपन ड्रेस स्टाइल वगैरह नहीं देख रहे हैं क्योंकि हमने एक लाइन यहाँ पर पढ़ी है ये बिहार से अलग हुआ है इसका मतलब जो बिहार में फॉलो होता है वही सब यहाँ पर भी फॉलो होता ही होगा नेक्स्ट आता है हमारा असम आसाम इज़ द इज़ इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ़ इंडिया नॉर्थ ईस्ट में है राइस एंड जूट आर द मेन क्रॉप्स यहाँ पर दो क्रॉप ज़्यादातर ग्रो होते हैं राइस एंड जूठ आसाम इज़ फेमस फॉर इट्स टी आसाम चाय के लिए काफ़ी फेमस है आसाम हैज़ हीूज डिपॉजिट्स ऑफ पेट्रोलियम पेट्रोलियम ज़मीन के नीचे से मिलता है आपको तो इसके लिए भी असाम काफ़ी फेमस है डिसपुर इज़ द कैपिटल ऑफ असाम असाम के कैपिटल का नाम है डिसपुर गुवाहाटी इज़ द लार्जेस्ट सिटी आसाम में सबसे बड़ी सिटी जो है उसका नाम है गुवाहाटी असामीज इज़ द मेन लैंग्वेज एंड बीहू इज़ द मेन फेस्टिवल मेन लैंग्वेज है असामीज और जो फेस्टिवल है वो है बीहू द काजीरंगा नेशनल पार्क इन आसाम इज फेमस फॉर इट्स वन हॉन्ड राइना सेरोस काजीरंगा नैशनल पार्क में फेमस किसके लिए है ये वन हॉन्ड राइना सेरोज के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है नाउ इट्स टाइम फॉर द लास्ट स्टेट जिसके बारे में हम आज बात करेंगे दैट इज़ त्रिपुरा त्रिपुरा इज़ सराउंडेड बाय बांग्लादेश ऑन थ्री साइड्स अब त्रिपुरा तीन साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ है अगरतला इज़ द कैपिटल ऑफ त्रिपुरा त्रिपुरा के कैपिटल का नाम है अगरतला राइस एंड जूट आर द मेन क्रॉप्स त्रिपुरा के मेन क्रॉप्स का नाम है राइस एंड जूट सो विद दिस योर चैप्टर थ्री इज कम्प्लीटेड अगर आपको त्रिपुरा के बारे में और नॉलेज लेना है तो आप चैप्टर टू में से ले सकते हैं वहाँ पर त्रिपुरा को थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है सो टिल देन दिस चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज़ राइट मी इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो एंड इफ़ यू वॉन कॉन्टैक्ट मी माई ई मेल इज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स थैंक यू सो मच कीप वॉचिंग एंड अगर पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए Thank you.